चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने सीएए का बम क्या फोड़ा, दीदी की सल्तनत में भूचाल आ गया। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को शरण देने वाली दीदी दशकों से बंगाल में राज कर रही है, बंगाल की क्वीन कही जाती है। एकल चली दीदी ने लेफ्ट की सत्ता को खाड़ फेंका और अब बंगाल से देश को चलाने का ख्वाब देख रही है। लेकिन क्या पीएम मोदी के रहते ऐसा मुमकिन है? देखा जाए तो देश के हर बड़े शहर में बांग्लादेशी अवैध तरीके से छिपकर बैठे हुए हैं और इनकी एक बड़ी तादाद पश्चिम बंगाल में भी बसती है। इन्हीं घुसपैठियों की एंट्री पर फुल स्टॉप लगाने के लिए मोदी सरकार सीएए ला चुकी है, लेकिन बंगाल में दीदी को सीएए से एतराज है। और ऐसे में क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साथ दीदी का भी बंगाल से सफाया हो जाएगा? इसको लेकर क्या कहती है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेत अशोका जी की भविष्यवाणी, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि चुनाव से ठीक पहले मोदी जी ने देश भर में सीएए लागू करके विरोधियों को, विधर्मियों को, घुसपैठियों को, उनकी जो नापाक मंसूबों को जो उन्होंने ध्वस्त किया है, इसी कड़ी में विरोध करने वालों में ममता बनर्जी टॉप पर रही हैं। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि पहले मैं इसे देखूंगी और जब मुझे ठीक लगे तभी मैं अपने बंगाल में इसे आने दूंगी। तो सीएए एक तरह से घुसपैठी, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठी हो, रोहिंग्या मुसलमान हो, ममता बनर्जी ने इसका मुखर होकर विरोध भी किया है। तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सीएए का विरोध करना ममता बनर्जी के लिए इसी चुनाव में, जो 24 के चुनाव में है, क्या इस पर भारी पड़ेगा? इसका खामियाजा क्या उन्हें इस चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? देखिए, सीएए के अगेंस्ट शाहीन बाग में जितने एजिटेशन हुए थे जी, उसको मद्देनजर रखते हुए अब जो है सीएए पर भारत का अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समाज वेल एजुकेटेड है। सीएए पे तो कहीं से भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। सीएए का मतलब क्या है? सीएए में हम उन लोगों को जो मुस्लिम कंट्रीज में या नेबरिंग कंट्रीज में बहुत माइनॉरिटी पे हैं और जहां पर जो है आपका जो है उसे क्या बोलते हैं, प्योर इस्लामिक राज है, अपने उसे जहां सेकुलरिज्म नहीं है, वहां पर जहां हिंदू प्रताड़ित हैं और उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, उनकी बहु बेटियों को निकाल कर ले जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को लूट लिया जाता है, उनके धार्मिक स्थलों की अवमानना होती है और उसको तोड़ दिया जाता है, वहां से जो प्रताड़ित, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे आपका पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे नेबरिंग कंट्रीज में, जहां पे भी हमारा हिंदू जो है अपने आप को बहुत अनसेफ कर रहा है जी। और वो किसी तरीके से हिंदुस्तान में आया था जी। उसको नागरिकता दे रहे हैं एंड ही शुड बी नॉन मुस्लिम। वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, वो आपका क्रिश्चियन, सिख, हिंदू, एनीथिंग। उसमें इनका जो है, जो सीए का विरोध कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक ही बात है कि अगर आप सबको दे रहे हैं तो मुस्लिम्स को क्यों नहीं दे रहे हैं जी? मुस्लिम्स भी आपके बांग्लादेश से आए हुए हैं, रोहिंग्या भी आपके जो है आप म्यांमार से विस्थापित होके आए हैं, तो उनको भी मिलना चाहिए। उनको इसलिए नहीं मिल रहा, दे रहे हैं क्योंकि जहां से वो लोग आए हुए हैं वहां वो कहीं पे भी अल्पमत में नहीं थे जी, वहां वो बहुसंख्यक थे। वो लोग जो इंडिया में घुसे हैं उनकी मेंटालिटी अलग है, लेकिन नॉन मुस्लिम जो वहां से प्रताड़ित होके परेशान होके आए हैं, उनको अगर हम भारत की नागरिकता नहीं देंगे तो उनको कौन संभालेगा जी? उनकी पेरेंट कंट्री तो हिंदुस्तान है। 1947 में इंडिया का जो विभाजन हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो बना,
वो जाति के उस पर हुआ था, पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री जी, वो शरिया को मानते हैं। अगेन आपका जो है अफगानिस्तान 100% शरिया पे चलता है जी, बांग्लादेश वहां पे भी शरिया जो है लागू है। तो इन कंट्रीज में हिंदू या नॉन मुस्लिम को जो है वो काफिर घोषित करते हैं, और जैसा उनका धर्म कहता है सबसे पहला जो है प्रताड़ित काफिर होता है मेजोरिटी में, अगर वो कहीं मेजोरिटी में है तो काफिर पे उनका जो है जी। तो उस कष्ट से, उस प्रताड़ना से, उस जो उनको बेइज्जती वहाँ सहन करनी पड़ रही है, उससे बचने के लिए जो लोग किसी भी तरीके से, जो लोग नॉन मुस्लिम हैं अगर वो आए हैं तो उनको जो है भारत नागरिकता देगा। अगर भारत नागरिकता नहीं देगा तो कौन सा देश देगा, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, बाकी को नागरिकता क्यों देंगे? देखिए 47 से लेकर 2014 के बीच में हिंदुस्तान को एज ए धर्मशाला यूज किया जा रहा था जी, जो मर्जी जैसे मर्जी आ जाए, और सारे उनके जो हैं इंतजाम थे, हमारे जो नेता जिनको वोट बैंक की राजनीति करनी है वो लोग उन लोगों को इनफिल्ट्रेट होकर जो आते हैं, उनके कार्ड भी बनते हैं, आईडी कार्ड भी बनते हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड भी बन जाते हैं, राशन कार्ड भी बन जाते हैं, उनको स्पेशल कैटेगरी का गेस्ट बना के जैसे दिल्ली में रखा हुआ है, पानी कहीं और पहुंचे ना पहुंचे किसी, लेकिन जहां रोंगिया बस्ती है वहां पे पानी टाइम पे पहुंचता है। लोग आपसे ये जानना चाहते हैं, दीदी ने अपने वोट बैंक के चलते ही जो इन घुसपैठियों को, इन बांग्लादेशी रोंगिया मुसलमानों को जो बंगाल में भर दिया है, दीदी के रहते उनको मोदी जी या मोदी सरकार कैसे बंगाल से बाहर निकाल पाएगी? देखिए राष्ट्रपति शासन लगते ही या राष्ट्रपति शासन लगने की सुख बुगाहट शुरू होते ही जी, दे पीपल विल गो बैक। जिसको भी जरा भी डाउट होगा, जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वो लोग चले जाएंगे।